प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया। अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। जनजाति और जनजाति समाज के लिए लगातार कार्य किया है और उनके मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सही तरीके से हम जन जन तक पहुंचाए। देश के मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, आज ये आंकड़ा बढ़कर के 71% के आसपास पहुंचा है। देश में 10.5 करोड़ माताओं बहनों को पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है और पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाकर महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव करने के साथ साथ देश के सामान्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा योगदान उसे ऊपर उठाने के लिए कर सके। लैंड रिसोर्स विभाग जमीनों का, भूमि का उनको दे रहा है, कागज दे रहा है, क्योंकि राज्य के अंदर हर राजस्व ग्राम में खाता खसरा एक से शुरू होता है। अब मैं उनको एक तरह से भूमि आधार कार्ड भी दे रहा हूँ। डे एनुअल एम्बिशन के तहत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई गई हैं। मिशन ने 14.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 9.8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरण का अभिनव प्रयास कर रही है। पूरा भारत एक स्वर में कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम हर भारतीय को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान देना है। अमृतकाल में जन भागीदारी की अभूतपूर्व पहल के साथ देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज भारत सरकार की दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। आज देश में ड्रोन दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी